नमस्कार, साधना प्लस पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। अमृतसर की दाना मंडी में सुखबीर बादल ने की रैली, कहा अडारी से अकाली दल के उम्मीदवार होंगे गुलजार सिंह रानी। रैली के दौरान पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने की प्रधानमंत्री के बयान की निंदा, केंद्र सरकार को की घेरने की कोशिश, कृषि मुद्दे को लेकर भी कसा तंग। अम्बाला पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, सेवा केंद्र का उद्घाटन करने पहुंची शैलजा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मोगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर के पास से 315 बोर या अवैध पिस्टल को भी किया गया बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत अमृतसर से करेंगे, जहां अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने प्रधानमंत्री के उस बयान की निंदा की है जिसमें प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों पर दोष लगाकर कहा कि पंजाब के किसान बंधुआ मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बंधुआ मजदूरी नहीं, गुरु के लंगर लगाने में सबसे आगे हैं। इस दौरान सांसद ने यह भी बताया कि कोरोना काल में गुरु के लंगर की सेवा की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को दबाने के लिए हथकंडे अपना रही है, जो सरकार को शोभा नहीं देता। जी चिट्ठी जी पिछले दिन लिखी गई है पंजाब सरकार को, भारी इल्जाम जिहड़े किसानां ते फिर लाए गए ने, बड़े दुख की गल है कि जिहड़े इत्थे बंधुआ मजदूरी जिहड़ी है वह करवाई जाती, जबकि यह पंजाब जिहड़ा है यह लंगर लाने लई मशहूर है, गुरु घरां च लंगर वरताए जांदे, कोरोना च एड्डी वड्डी सेवा हुई। पर केंद्र सरकार किते ना किते किसान नूं जिथे आड़ती दी पेमेंट वाला वड्डा मसला पैदा किया किसानां दे अगे किसानी संघर्ष करके, उसे तरीके दे नाल इक होर उन्हां ने इल्जाम जिहड़ा आ वह पंजाब दे सिर मड़िया है, पंजाब दे किसान सिर मड़िया है, जिहड़ा कि सरासर झूठ है। और हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 15 में खोले गए सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुंची, जहां कांग्रेसी नेताओं ने और आम जनता ने उन्हें फूल मालाओं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कुमारी शैलजा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे नेता जमीन से जुड़कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इस केंद्र में जनता की मदद की जाएगी। कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहां के स्थानीय विधायक सरकार के कामकाज से नाखुश होकर उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। सरकार नाम की हरियाणा में कोई चीज ही नहीं है, बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। वहीं संगठन विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे पर्यवेक्षक हरियाणा के कई क्षेत्रों में भेजे गए हैं, जिससे 5 तारीख तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही जल्द ही संगठन का विस्तार भी किया जाएगा। हम सभी ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर एक वार्ड सुविधा केंद्र खोला है, और जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी आए थे और वो उद्घाटन करके गए हैं अभी। और इस वार्ड सुविधा केंद्र के तहत सभी लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी जिनके लिए उनको धक्के दर दर धक्के खाने पड़ते थे, जैसे कि बहुत से काम देखेंगे आपने, पेंशनों के काम रुके पड़े होते हैं, बहुत से आपने बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में, जाति प्रमाण पत्र में नाम चेंज कराने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तो हम हर वो उस तरीके की हर सुविधाएं देंगे। गरीब बेटियों की शादी मेन जो हमारा मुद्दा रहेगा, गरीब बेटियों की शादी के लिए, गरीब परिवारों में राशन के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो हमारे मेन मुद्दे तो रहेंगे कि हर जरूरतमंद परिवार तक हम इस वार्ड सुविधा केंद्र के जरिए पहुंचे और वो हमारे तक पहुंचे। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा के हम खिलाफ रहें और रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले लोगों को प्रोवोक करें, लोगों की कहीं ना कहीं रिएक्शन आए और फिर आप दिखाएं अपने आप को मार्टर बनाने की कोशिश करें, तो क्या ये आपकी चाल है कि आप ऐसे करें कहीं ना कहीं? और इसके लिए कांग्रेस को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पहले तो अपनी जुबान पर आप कंट्रोल करिए। हिंसा के हम खिलाफ हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जानते हैं कि हमने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं और 5-6 तारीख को उनकी रिपोर्ट हम लेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श करके और आने वाले समय में जल्द ही संगठन का विस्तार होगा।
हरियाणा के यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भारी पुलिस पर फोर्स की मौजूदगी में प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा मुख्य स्थल पर आने जाने वाले सभी रास्तों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। बता दें कि विधायक ने मात्र 5 मिनट में ही उद्घाटन और भाषण की रस्म अदा की। साथ ही इस मौके पर अपने संबोधन में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना समाज के सभी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है, जिसका देश भर में आम लोगों को फायदा होगा। आज जगाधरी सिविल अस्पताल के सामने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। देश में हजारों जन औषधि केंद्र, गरीब लोग जो महंगी दवाई नहीं खरीद सकते, जेनरिक दवाइयों के द्वारा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी उनकी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके इलाज में सहायक हो रहे हैं। अगली खबर अमृतसर से है, जहां अटारी में अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज चौथी रैली की है, जिसमें सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में गुलजार सिंह रानी अटारी से उम्मीदवार होंगे। वहीं सुखबीर बादल ने इस मौके पर यह भी कहा कि सरकार मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर्स को पाल रही है। इतना ही नहीं, पंजाब के हर विधायक ने अपने इलाके में गैंगस्टर पाल रखे हैं। सरकार गैंगस्टर नू पाल रही है। मैं थोनू अज भाषण च भी कहा है कि जिन्हें एमएलए है उन्होंने अपने हल्के के गैंगस्टर पाले है, जिन्ना ड्रग्स का काम है, जिन्ना एक्सटॉर्शन का काम है, एमएलए गैंगस्टर थ्रू करा के लोगों लुट रहे हैं। यह तो माड़ी गल की हो सकती है कि स्टेट गैंगस्टर प्रोटेक्ट करती है। एडे एडे वे गैंगस्टर बाहरों लिया के अंतारी रखे है, आ मिली भुगत जी सरकार बहुत डेंजरस खतरनाक काम किया। जब भी बार्डर के हालात खराब हो उजड़ते रहे हैं, ये मगर फिर इतने वसते रहे हैं। जे फौज आती सी उन्हों की सेवा करते रहे, जिन्हों लोग किसानों ने बार्डर ने फौज न संभालिया कि तुम समझ सकते हो कि यह जहाँ काम कर। हाँ, एका दुका जो कोई केस है उस पुलिस कार्रवाई करे, मगर एक रंगना 500 किलोमीटर के बार्डर के जय जवान जय किसान जोड़ा उन्होंने न्याणे सरहदा से बैठे हैं, जिन्हों के बच्चे सरहदा की रखवाली कर रहे, उन्होंने बुजुर्ग बार्डर उन्होंने इस तरीके बदनाम करना पाप है। श्रोमणी अकाली दल इसकी निंदा की। पलवल नगर परिषद एरिया में 20 साल बाद नए सिरे से प्रॉपर्टी का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। नए सर्वे में 86,000 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई हैं, जबकि 20 साल पहले ये संख्या मात्र 25,000 के करीब ही थी। अब जल्द ही डोर टू डोर टैक्स के नोटिस बांटे जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी मालिकों से दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। आपको बता दें कि पलवल नगर परिषद के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग से जितेंद्र भाटी ने बताया कि पलवल नगर परिषद ने याशी कंसल्टेंसी कंपनी से सर्वे करवाया है, जिसमें पलवल नगर परिषद एरिया में कुल 86,000 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। इसमें अभी 13,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जिन पर ताले लटके मिले हैं और उनका डाटा नहीं मिल सका है। 2001 की हमारी असेसमेंट हुई पड़ी है, उसके उपरांत अब आज की डेट में यासी कंसल्टेंसी द्वारा सर्वे किया जा रहा है, जो कि सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु उसमें कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो कि पब्लिक ने डिटेल नहीं दी, जैसे कि कोई मकान बंद मिले हैं, तो उन पे हमारे जो यासी कंसल्टेंसी कर्मचारी हैं, हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ जाके उन प्रॉपर्टियों की डिटेल ली जा रही है, और उन प्रॉपर्टी को डिटेल पूरा फिलअप करने के बाद तो इसके बाद हमारा डाटा इंटीग्रेशन का काम पूरा हो जाएगा, सर्वे का काम बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पब्लिक से आपत्ति उजरदारी बाएगा, डोर टू डोर नोटिस देने के बाद उनसे उजरदारी लेंगे, और उसमें सरकार के द्वारा एक वेबसाइट दी जाएगी जिसपे वो अपनी ऑनलाइन भी अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हरियाणा में आज से सभी मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं आज अम्बाला में भी गेहूं की कुछ भी आवक दर्ज नहीं की गई। बता दें कि मार्केट कमेटी ने एक भी गेट पास जारी नहीं किया, क्योंकि कोई भी किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आया ही नहीं। बता दें कि हरियाणा की सभी मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने फसल खरीद को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी करने का दावा किया है। अम्बाला प्रशासन भी मंडी व्यवस्था को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है।
आज अम्बाला शहर की अनाज मंडी में फसल खरीद के पहले दिन कुछ भी आवक दर्ज नहीं की गई। वहीं मार्केट कमेटी ने आज एक भी गेट पास जारी नहीं किया है क्योंकि कोई भी किसान अम्बाला शहर के अनाज मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए नहीं पहुंचा है। भी आवक दर्ज नहीं है, कोई गेट पास इश्यू नहीं हुआ है और मतलब की कहने का मतलब आज कोई भी किसान अपनी फसल लेके मंडी में नहीं पहुंचा है। सर कितने किसानों को मैसेज किया गया था मंडी द्वारा या किसानों ने डाली मैसेज डाला हुआ था कि दरअसल इसमें ऐसा है कि जो किसान अगर जिस पोर्टल पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर किसान जिस दिन अपना गेट पास कटवाना चाहते हैं वो पहले अपने पोर्टल पे खुद ही पंजीकरण करेंगे कि मुझे इस हफ्ते में अपनी फसल लेके आनी है, उस हिसाब से ही किसानों को मैसेज जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी किसान ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया तो अपनी फसल लाने के लिए मंडी के अंदर, तो अभी किसी किसान को मैसेज नहीं गया था। और गेहूं खरीद शुरू होने के पहले दिन इंद्री अनाज मंडी में दो किसान अपनी गेहूं को फसल को लेकर अनाज मंडी पहुंचे लेकिन खरीद एजेंसी के नुमाइंदे अनजान बन रहे हैं। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी गेहूं खरीद करने के लिए मंडी में नहीं पहुंचा। गुरुवार सुबह आरती बाबूराम बालक राम और लच्छूराम नरेश कुमार नामक फर्म पर दो किसान अपनी गेहूं लेकर मंडी पहुंचे, साथ ही दोपहर तक खरीद एजेंसी का कोई भी अधिकारी उनकी फसल खरीदने वहां नहीं पहुंचा, जिससे नाराज आढ़तियों और किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने जो 1 तारीख को गेहूं की खरीद के ऑर्डर निकाले थे पर उसमें आज जो फूड सप्लाई की यहां पर प्रत्येक का दिन था पर अभी तक यहां ना कोई बारदाना है, ना कोई इंस्पेक्टर है, ना कोई मार्केट कमेटी की तरफ से कोई ऑफिसर देखने के लिए आया। तो ये किसान अपने पोर्टल के हिसाब से गेहूं लाया है तो उसकी आके अभी नमी चेक कर ले या तो कुछ देख ले इसमें भाई कोई भी है किसान वो आना तो चाहिए, ऑफिसर को आना तो चाहिए, किसी को जिसकी भी ड्यूटी है वहाँ पे जिसका दिन है उनको आना चाहिए देख के किसान के लिए 1 तारीख का या ना 1 तारीख के चार्ज अगले लेट कर देते। तो ये तो है ना कोई हमें मार्केट कमेटी में हम किसान यूनियन वाले गए ना वहाँ कोई सेक्रेटरी, उसके बाद हम एसडीएम साहब पर गए, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया भाई 3 बजे तक एजेंसी भी आ जाएगी खरीदने वाली और बारदाना भी आ जाएगा, लेकिन मैंने तो ऐसा लगा सारा का सारा कागजों में धरातल पर कुछ नहीं है। सड़कों पर यू हाल है कि जो सीवरेज है वो कम से कम 2-2.5 फुट ऊंचे खड़े हैं, अगर ट्रैली का पहिया उस पर चढ़ गया वो ट्रैलियां पलटेंगी गेहूं होगी, उसकी लेवलिंग भी नहीं करी है और जो सड़कें बना मंडी में उनके टाके तक भी नहीं लगाई, मंडी में व्यवस्था नहीं है पानी की, अभी तक कूलर जो ठंडे पानी के वो नहीं लगाए। बढ़ते आगे जहां पंजाब में आए दिन महंगी हो रही बिजली के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। बता दें कि 7 अप्रैल से आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को दिल्ली में दी जाने वाली बिजली सुविधा की जानकारी देंगे। वहीं सरकार विरोधी इस कार्यक्रम को लेकर जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अलग अलग जिलों में पार्टी की जिला इकाइयों की बैठक का दौर जारी है, वहीं इसी कड़ी में जिला फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया है जिसमें पंजाब में लगातार बढ़ाए जा रहे बिजली दरों और लोगों को भेजे जा रहे बिजली के भारी भरकम बिलों के गंभीर मसले के बारे में विचार विमर्श करते हुए जोरों शोरों से इसके बारे में चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर इकट्ठा हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली खरीदने के बावजूद 76% लोगों को 73% लोगों को निःशुल्क बिजली दे रही है, वहीं दिल्ली में बिजली का रेट भी पंजाब से बहुत कम है। पंजाब में बिजली के दाम काफी ज्यादा हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 2017 से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की इंडस्ट्री को 5 रूपए प्रति यूनिट बिजली देने का वादा किया था, ये वादा भी पूरा ना करने के चलते इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। जो बिजली दे रहे बंद रहने वो आम आदमी पार्टी वालों पंजाब के सारे पंजाब के अज जिला लेवल से मीटिंग की जा रही ये साढ़े पंजाब के प्रधान भगवंत सिंह जी मान उन्होंने भी यह गल कही है कि जेकर सरकार ने 7 तरीक तक ये बिजली के बिल जोड़े बहुत ज्यादा बिल आए आ उन्होंने ना कैंसल किया जो ना घटाए तो असी 7 तरीक तो
करके जन अंदोलन शुरू करांगे। जो भी पार्टी का हुक्म होगा उसके मुताबिक असं पूरी मेहनत करांगे। जो साडे किसान अज अपने पिंड शकूर तो जिला फरीदकोट के शहीद होए आ उन्होंने भी साडे जी करके सवाल सरकार से जा रहे हैं। अभी हर काम किसानों के नाल किसानों के हक में एक महाअभियान का शुरुआत कराया गया वाघा मेला। साड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के नाल खड़ी आ, मजदूर वर्ग के नाल खड़ी आ, व्यापारी वर्ग के नाल खड़ी आ, हमेशा साथ नाल खड़ी। अज जी मीटिंग करें मेन मकसद की है जो अज जी मीटिंग की है यहाँ मेन मकसद है जी बिजली अंदोलन। जो अपने बिजली के रेट बढ़े हुए हैं पहले लोगों को आ रहे हैं उसमें घटाने वास्ते असं कैप्टन सरकार को यह चेतावनी दी है कि ज्यादा बिजली बिलों के रेट घटाए जा। जिम्मे दिल्ली अरविंद केजरीवाल बिजली मुल लैके लोगों घट रेट दे रहे हैं। इस तरह करके पंजाब भी बढ़ते हैं आगे। जहां नगर निगम जोन ए में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कैंप लगाया गया है जिसमें सभी कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। बता दें कि डॉक्टरों की टीम ने निगम कर्मियों को वैक्सीन लगाकर उनका हौसला बढ़ाया है। बता दें कि सुपरिटेंडेंट रोहित सहोता ने कहा इस दौरान कि निगम कमिश्नर प्रदीप सबरवाल, जोनल कमिश्नर तजिंदर सिंह पंछी, जोनल कमिश्नर स्वाति टिवाड़ा के निर्देश अनुसार निगम कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया जाएगा जिसमें निगम कर्मियों का टीकाकरण किया गया। वहीं निगम कर्मी कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करते रहे हैं। अब निगम ने उनके स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण किया है जिससे निगम कर्मी सुरक्षित रहें। बता दें कि सुपरिटेंडेंट रोहित सहोता ने आम लोगों को भी अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। कोविड 19 का कैंप ऑर्गेनाइज किया गया ने साडे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग कमिश्नर साहब श्री प्रदीप सबरवाल जी के आदेशों अनुसार इन्हां दे नाल ही नोडल अफसर की जिम्मेवारी निभाते हुए मैडम स्वाति टिवाना जी ते जोनल कमिश्नर तजिंदर पंछी जी की योग अगुवाई दे हेठ जोन ए दे विच एक कैंप जिहड़ा ऑर्गेनाइज किया गया। ਇਹ ਉਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਸੇਫ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। बढ़ते हैं आगे। सरदार प्रकाश सिंह बादल पिछले दिनों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर दयाल सिंह कोलियावाली का निधन होने के बाद आज उनके घर में अफसोस करने पहुंचे हैं। बता दें कि पहले कोरोना के चलते वे घर से बाहर नहीं गए लेकिन आज उन्होंने सरदार दयाल सिंह कोलियावाली के घर पर उनके बेटे के साथ मिलकर अफसोस जाहिर किया। सूरजकुंड दिल्ली की सीमा पर स्थित खोरी गांव में नगर निगम और पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बस्ती में शुक्रवार को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि विरोध करने के बीच जमीन से कब्जा हटाया गया। लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन निगम के अधिकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। छोटा आज कोरोना का टाइम पे ऐसे हम लोगों ने उधार दिया हमारा छोटा छोटा देखो कितना छोटा हमारी बच्चा है। हमारे बच्चे को आज बाहर लेके रात धूप में बैठी हुई है पानी तक नहीं है। क्या हम लोगों ने इनको बिगाड़ा? हम काम करके खा रहे हो किसी का उसको मदद नहीं मांगा नहीं तो कोई मदद नहीं मिल रहा। जैसे जैसे करके बच्चा लेके छोटे छोटे हम जैसे जी रहा हूँ उसके बाद भी ऐसे हमारी तोड़। और सिरसा के बिजली बोर्ड में उस वक्त किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए जब सिरसा और आसपास के किसानों ने बिजली विभाग के प्रति जमकर नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांग थी कि जो बिल में एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर उनके पास आ रहा है वो न्याय और दूसरा बिल हर महीने हमें मिले। उसको लेकर उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा और कार्रवाई की मांग की।
बढ़ते हैं आगे और अब बात पलवल की करेंगे, जहां आईटीआई में स्वरोजगार जागरूकता के लिए मोटिवेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें संस्थान के पिछले दो सालों के पास आउट और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों, जिला उद्योग केंद्र और जिले के बैंकों के प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि पलवल आईटीआई के प्रिंसिपल भगत सिंह ने इस दौरान बताया कि शिविर में जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे लघु उद्योग लगाने के बारे में छात्रों को जानकारी दी। यहाँ पर जिले के जो बैंक हैं उनको बुलाया गया है, जिला उद्योग केंद्र जो उद्योग से संबंधित हैं उनको यहाँ बुलाया गया है, और छात्रों को स्वरोजगार में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए उनको यहाँ आज इस मेले या कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत इस संस्थान के पासशुदा छात्र और जो फाइनल ईयर में हमारे जो पास होने वाले हैं उन छात्रों ने भाग लिया है, जिसके में हमारे जो छात्र पुराने हैं जिन्होंने पास आउट होकर लघु उद्योग लगाए हैं उनको भी इस मेले में आयोजन किया गया है, ताकि वो छात्रों को ये बताएं कि हमने किस किस बैंक के माध्यम से लोन लेके सरकार की जो स्कीमें हैं उनका लाभ लेकर हमने खुद उद्योग लगाए हैं और आज हम छात्रों को खुद रोजगार दे रहे हैं। और उकलाना के 4 अप्रैल को होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर इनेलो के जिला अध्यक्ष सतबीर सिसाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में 4 अप्रैल यानी रविवार को किसान सम्मेलन किया जाएगा और इनेलो नेता अभय चौटाला को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि सतबीर सिसाय ने बताया कि 3 कृषि कानून के खिलाफ अपने विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हरियाणा के पहले नेता बने थे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस महापंचायत में लाखों की भीड़ जुटेगी, एयर अभय चौटाला की सम्मानित करने का काम किया जाएगा, साथ ही किसान लगातार अभय चौटाला को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं क्योंकि वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दयाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर आम लोगों से भी ये वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने की अपील की है। बता दें कि जेपी दयाल ने इस दौरान कहा कि जब हर कोई सावधानी रखेगा और वैक्सीन लगवाएगा तभी जाकर हम कोरोना से जीत पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत देश सबसे पहले कोरोना फ्री हो। बता दें कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने हर संभव कोशिश की है। एक बार धीमी रफ्तार के बाद फिर से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे हैं। इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और आम लोगों से भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। और अब बात चरखी दादरी की करेंगे, जहां प्रशासन के आदेश पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाना अब शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन के अगले चरण की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब जिले भर के हर प्राथमिक केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। रेस्पॉन्स ना जो अपन दादरी रूरल की बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। रूरल में बंदे अपने आप ही बगैर मोटिवेशन के इतना चाव सा है, जैसे मेले का चाव होता है ना, ऐसे चाव है रूरल एरिया में, काफी अच्छे से आ रहे हैं। और अर्बन की बात करें यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हमें हो रही है, हमें मोटिवेट करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें ज्यादा रेजिस्टेंस की ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ रहा और ना ही कोई ऐसा साइड इफेक्ट, ना ही कोई अपड़ा तपड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग कोऑपरेट कर रहे हैं और अब तक करीब 35,000 के करीब हम वैक्सीनेशन, और 35,000 में से अभी टचवुड भगवान की दया से ना कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसमें कोई भी शिकायत हो, कोई पेशेंट। बढ़ते आगे, जहां मोगा में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गैंगस्टर के पास से 315 बोर के अवैध पिस्टल भी बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। और पानीपत के किला थाना अंतर्गत भारत नगर प्रजापति चौक पर ठेकेदार पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बता दें कि गोलियों की आवाज से सहमत क्षेत्र लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बता दें कि ठेकेदार की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, घायल ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। वहीं मौके से आरोपी फरार हो गया। गलियां वगैरह बनाता है निगम की, इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था 10-15 दिन पहले, किसी के साथ, किसी के जिसके बाहर ये गली बना रहे थे उनके साथ झगड़ा हुआ था, और वो उसमें कुछ इनके चालान वगैरह भी हुए थे, तो उसी की रंजिश रख के आज वो जो जहां गली बन रही थी जिनके जो उनके घर हैं जिन्होंने उस दिन झगड़ा इसके साथ किया था। ये 2017 तारीख के आसपास झगड़ा हुआ था इस साइड पर, तो इन लड़कों को चोट भी मार दी थी उनने,
तो इनके ही चलान दो ये बाकी। हमने इनकी जमानत करवा ली थी अगली से एक दिन पहले 27 या 28 तारीख को। तो आज ये लड़का वहां गया था दोबारा काम चेक करने के लिए। सुबह जैसे ये गया 15-20 मिनट में थे इसको गोली मार दी। कुछ चाकू भी मारे? चाकू भी कबार मार रखे जी, मैंने तो देखे नहीं। पहले झगड़ा किस बात को लेके हो जी? एक हम सीवर लाइन का काम करे हैं जी, जो घर के अंदर कनेक्शन दिए जाते हैं उनका, उनको लेकर झगड़ा हुआ था। तो मरने से पहले बयान भी दिया सर? हाँ, कमा दे रखे वीडियो है जी किसी लड़के के पास। और बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के प्रधान और चेयरमैन ने हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया है। इनका कहना है कि सरकार ने मंडियों के अतिथियों को जो सौगात दी है। गौरतलब है कि पिछले बुधवार हरियाणा सरकार ने मंडी के आढ़तियों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया, जिसमें करीब 370 करोड़ रुपए की माफी की घोषणा की गई है। धन्यवाद करेंगे हम सरकार। किस चीज का ब्याज था? अनाप शनाप ब्याज लगा रहे, ब्याज पे ब्याज लगा रखे थे। वो उससे परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। कई सरकारें बदल गई पहले, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अब ये बीजेपी सरकार आई है, इसने हमारी सुनी है। और खासतौर हमारी है जो मूलचंद शर्मा हमारे मंत्री हैं, जो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है जब जान करके। ये इस ब्याज को लेकर आड़े भी कितना परेशान था और कितने दिनों से धक्के खा रहा था? 20 साल से। तो सरकार ने 370 करोड़ रूपये का बहुत बड़ी सौगात दी है हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार का। हम इससे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने भी बहुत हमारे लिए प्रयास किया है, उनके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये जो उपलब्धि दी है बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, जो पिछले 20 साल से कोई भी सरकार हमें नहीं दे पाई। बीजेपी सरकार ने सब हरियाणा वासी जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारी जितनी भी दुकानें थी हमारी जिन पर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहे थे, उन सबको माफ करके और हमें एक बहुत बड़ी सौगात पेश की है। उनमें सबको चक्रवृद्धि ब्याज खत्म कर दिया, अपना पेनल्टी। और करनाल कलंदरी गेट पर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और फिर रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि होली वाले दिन 5 बदमाशों ने सरोज कुमार के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। सुबह हमारे पास रुक आया था, जिसमें हमने FIR दर्ज की थी अंडर सेक्शन 323-24 में 148 में। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लड़का जो था जिसकी डेथ हुई है, इसका नाम था सरोज। तो 30 तारीख को सुबह नेक्स्ट डे इसकी डेथ हुई थी, जिसमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।